ओके तो मेरा नाम है अमित खट्टर। हम कर रहे हैं मास्टर कैंप 2021। आज हमारा डे वन है। तो जब भी कोई भी हम कोर्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला चीज हमारे को क्या चाहिए, हमारे को सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि मास्टर कैंप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए। तो हम जाएंगे यहाँ पे सर्च में और यहाँ पे लिखेंगे रन। रन के अंदर जाना है, यहाँ पे लिखना है MS config। MS config लिख के ओके करेंगे और यहाँ पे टूल्स के अंदर यूएसी सेटिंग है, यूएसी सेटिंग को लॉन्च करेंगे तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है। तो इसको नीचे करके, यहाँ पे नेवर नोटिफिकेशन ये ऊपर होगा बाय डिफॉल्ट, इसको ऊपर से नीचे कर देना है और ओके कर देना है। इससे क्या होगा, कंप्यूटर की सिक्योरिटी खुल जाएंगी और वो आपको मास्टर कैम इंस्टॉल करने देगा। दूसरा चीज़ है कि सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा। तो जाओ गूगल क्रोम में, गूगल क्रोम में जाके यहाँ पे लिखो माइक मास्टर कैम 2021 HLE डाउनलोड। ठीक है, तो जब HLE डाउनलोड लिखोगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा है डाउनलोड मास्टर कैम HLE, इसको क्लिक कर दो। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगी, एक फॉर्म आएगा गूगल का, इनका मास्टर कैम वालों का ही। ये सॉफ्टवेयर जो है आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ये फॉर्म फिल करना है, या मैंने फिल कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे सेंड मी ए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मेल भी आ जाएगी और आपको ये लिंक भी आ जाएगा। तो यहाँ से ये डाउनलोड मास्टर कैम पे क्लिक कर देंगे तो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको कंट्रोल जे दबाऊँ तो ये कुछ ऐसे मास्टर कैम 2021 HLE वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे ये आइकन बन के आ जाएगा मास्टर कैम 2020 HLE। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बड़े आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कंप्यूटर में। कंप्यूटर की रैम अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर की जितनी अच्छी कन्फिग्रेशन होगी उतना मास्टर कैम स्मूथली चलेगा। ठीक है, तो पहला काम हमारे को ये है। दूसरा काम हमारे को क्या करना है, हमारे को इसको राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक कर लेना। अगर तुम्हारे ये एक्सिस नहीं नज़र आ रही तो हम क्या करेंगे, व्यू में जाके शो एक्सिस ऑन कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अगर ये टूल पाथ नहीं नज़र आ रहा तो यहाँ से टूल पाथ ऑन कर लें। तो मास्टर कैम का काम क्या है, मास्टर कैम का काम है CNC का प्रोग्राम बनाना। CNC का प्रोग्राम मतलब हमारे पास एक मशीन है, VNC हो सकती है, टर्निंग हो सकती है, मिलिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब हमारे को क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आया कि हमारे पास एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी वैल्यू है 150 बाय 100। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को एक ऐसी चीज बनानी है जो 150 बाय 100 की। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक करूँ। वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि हम मास्टर कैम को यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे फिलेट कमांड। फिलेट कमांड लेके दोनों लाइनों पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद वहाँ पर रेडियस लगने लग जाता है। जितनी वैल्यू भर दूंगा मैं उतने का रेडियस लगे, ओके कर देंगे तो ये ओके हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे को चाहिए मशीन। ठीक है, एक बार ही पूरा प्रोसेस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मास्टर कैम का क्या फायदा है, हम क्यों मास्टर कैम सीखना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारे को चाहिए मशीन, ये मेरा मॉडल है जिसको मुझे बनाना है। ठीक है, उसके बाद चाहिए मेरे को मशीन। मशीन कहाँ से आएगी, मिलिंग मशीन, यहाँ से डिफॉल्ट पे क्लिक कर देंगे तो डिफॉल्ट मशीन आ जाएगी। ये बहुत सारे टूल पाथ है जो हम सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, हमारे को पहला टूल पाथ चाहिए कंटूर टूल पाथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है चेन की, ये चेन क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो चेन आ गया, ये सारी सिलेक्ट हो गई। ओके, मतलब मैं चाहता हूँ मेरा टूल जो है इस चेन के ऊपर ऊपर चले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टूल पाथ दे दिया हमने, उसको टूल बताएंगे किस मशीन टूल से हमारे को कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसमें से मैंने फिल्टर कर रखा है एंड मिल को, यहाँ से ऑल होगा नन कर दो और एंड मिल चूज कर लो, बाकी के बंद कर दो। ठीक है, तो एंड मिल ऑन करके ओके करेंगे और उसके बाद फ्लैट एंड मिल 10 mm का चूज कर लेंगे।
तो ये मेरा फ्लैट एंड मिल आ गया, ठीक है। कटिंग पैरामीटर में जाऊंगा मैं, तो ये कुछ पैरामीटर आ रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहा मैं, जस्ट ओके का बटन दबाना है। देखो टूल पाथ आ गया, चला के देखना है तो टूल पाथ पे क्लिक करो, प्ले करो, तो ये हमारे को चला के दिखाएगा कि मेरा टूल कैसे कैसे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है वैसे ही असली में मशीन पे मूवमेंट करेगा, तो इसलिए जैसे यहाँ पे चल रहा है वैसे ही असली में भी चलेगा। हमारे को क्या करना है, पैरामीटर में जाके कंपनसेशन ऑफ कर दे, उससे फायदा क्या होगा, अब ये टूल अंदर चल रहा था, अब ये जो है हमारा कर्व के ऊपर चल रहा है, देखो बिल्कुल आधा अंदर आधा बाहर, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ करने से हमारे को समझ में आ गया कि कर्व के ऊपर चलेगा, अगर मैं लेफ्ट में कर दूंगा तो लेफ्ट में चलेगा, राइट में कर दूंगा तो राइट में चलेगा। कंपनसेशन ऑन करके राइट करेंगे तो ये राइट साइड में चलेगा, कंपनसेशन ऑन ऑफ करके कंपनसेशन ऑन करके लेफ्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट में चलेगा, ठीक है। और अगर कंपनसेशन ऑफ कर देंगे तो ये कर्व के ऊपर ऊपर चलेगा, ठीक है। हमारे को ये लिंकिंग पैरामीटर नहीं चाहिए, यानी कि लीड इन लीड आउट नहीं चाहिए हमारे को, एंट्री और एग्जिट तो बंद कर देंगे तो ये हरी वाली लाइनें गायब हो जाएंगी, ठीक है। टूल पाथ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे को दिखाएगा, ये देखो कर्व के ऊपर ऊपर चल रहा है, ये कुछ इस तरीके से। स्पीड तेज कर सकता हूं मैं यहां से, मेरे को एक वायर फ्रेम में जाके स्टॉक बनाना है। ये मेरा रॉ मटेरियल है जो मैं बाजार से खरीद के लाऊंगा, जिसमें मुझे ये शेप बनानी है, तो इसकी कुछ भी डायमेंशन हो सकती है। मैंने कहा ये 250 बाय 150 का चाहिए मुझे, तो हमारे को स्टॉक देना पड़ेगा। यहाँ प्रॉपर्टी में जाएंगे, स्टॉक सेटअप, स्टॉक क्या है जो मैं बाजार से मटेरियल खरीद के लाया हूँ, तो मैं उसको सिलेक्ट कॉर्नर बताऊंगा और जेड बता दूंगा कि नीचे कितना जाना है, मुझे 30 mm नीचे जाना। स्टॉक सेटअप में ही अगर मैं डिस्प्ले भी ऑन कर दूं तो ये मुझे यहाँ पर दिखने लग जाएगा कि मेरा रॉ मटेरियल कैसा है, ठीक है। तो अगर मैं अभी दिखाऊं तो ये सिर्फ टॉप व्यू पे चल रहा है, ये देखो ये ऊपर ही चल रहा है, नीचे नहीं आया। अगर मैं लिंकिंग इसके पैरामीटर चेंज कर देता हूं, -5 कर दिया, तो ये जो टूल है मेरा -5 नीचे चला गया। अगर मैं इसको मशीन पे चला के दिखाऊं, वेरीफाई करें, यहाँ पे वेरीफाई का बटन है उसको दबाएंगे तो ये हमारे को 3D में कटिंग करके दिखाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से कटिंग होगी, ठीक है। अब हमने ये सारी मेहनत क्यों की, मुद्दा ये है कि हम ये सारी मेहनत कर क्यों रहे हैं। हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम जी कोड जनरेट कर सकें। मशीन को नहीं ये कुछ भी पता, मशीन को जी कोड एम कोड पता है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, ये जी कोड एम कोड पे ओके करेंगे, इसका नाम रख दूंगा A1 और एंटर दबा दूंगा, तो हमारे पास एक नई फाइल खुल जाएगी कोड मास्टर के अंदर, जिसमें ये सारे जी कोड लिखे हुए थे। मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये कोड अपने आप लिखे आ गए। पुराने जमाने में क्या होता था, ये सारे कोड जो हैं बंदे को मैनुअली लिखने पड़ते थे। अब ये कोड क्या है ध्यान से अगर हम देखें, इससे अगर कंपैरिजन करके दिखाऊं तुम्हारे को कि क्या है, ये कोड लिखा हुआ है, ये है टूल कॉल का, टी टूल कॉल, ये ऊपर वाले बाद में बताऊंगा। टूल कॉल किया, मशीन की स्पिंडल ऑन कर दी, उसके बाद X0, Y0, Z0 पे चले जाए, तो ये 00 पे आ गया। उसके बाद Z-10 से स्टार्ट होना है, तो ये देखो यहाँ पे एक येलो लाइन आ रही है जो Z10 इसके ऊपर है इसलिए नजर आ रही। फिर ये Z-5 पे गया नीचे, फिर उसके बाद X150 पे गया, तो ये X150 पे आ गया। फिर Y100 पे गया तो 100 आ गया। फिर X20 पे गया, यहाँ पे आ गया। ऐसे ये G3 आया, G3 का मतलब होता है रेडियस लगाना है, तो रेडियस लगाया। फिर यहाँ पे आया, फिर M5 किया उसने और प्रोग्राम बंद कर दिया, ठीक है। तो जो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे पास ये जी कोड जनरेट हो गया,
हमारे को खुद से एक भी अक्षर नहीं लिखना पड़े, ठीक है। तो हमारे मास्टर कैंप सीखने का मकसद क्या है कि ये जो कोड है ये मुझे खुद ना लिखना पड़े। अब क्या दिक्कत आती है, कल को बाद में कहता भाई इधर तो रेडियस लगा दिया, इधर तो लगाया नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिलेट लगाएंगे और रेडियस दे देंगे, ठीक है, 40 का रेडियस दे दिया। कुछ नहीं करना, बस ये रेड क्रॉस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, रीजनरेट दबाओ, प्रोग्राम जनरेट हो गया, वेरीफाई कर, इसको जी कोड जनरेट कर, इसका नाम रख दो A2, एंटर। हमने क्या किया, हमने अपनी फिलेट लगाई, प्रोग्राम में अपने आप चेंज हो जाएगा। पहले एक G3 आ रहा था, अब 2 G3 आ रहे, नहीं तो मुझे मैनुअली लगाना पड़ता ये सब कुछ। अभी तो क्या है, ये एक ही कट है, पर ये 5 mm का कट असली मशीन पे नहीं मैं लगा सकता, असली मशीन पे मेरे को 0.5 का 0.8 का ही कट लगा सकता। तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर में जाएंगे, डेप्थ ऑफ कट में 0.5 दे देंगे, ठीक है। कीप टूल डाउन ऑन कर देना, इसको ओके कर देना, जनरेट कर देना। तो ये देखो बहुत सारी लाइनें आ गई हैं। अगर मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊं तो टूल कैसे चलेगा हम पहले ही देख सकते हैं, मशीन पे चला के नहीं देखने की जरूरत, हम पहले ही देख सकते हैं कि हमारा टूल कैसे चलेगा। बहुत तेज चल गया, तो हम इसकी स्पीड कर देते हैं स्लो और यहाँ से चला के देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से चले, आई बस समझ में, ठीक है। तो साथ साथ ये देखो टूल की पोजीशन भी दिखा रहा है, जो कोड वहां जनरेट हो रहे हैं वो यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं। अगर मैं एक्स वाई की मूवमेंट देखना चाहता हूँ तो वो भी हम कंपैरिजन में इसमें देख सकते हैं व्यू में। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा जनरेट हो गया। अब अगर मैं इसका जी कोड दिखाऊं तो देखो तुम्हारे को बहुत बड़ा सारा जी कोड दिखेगा। इसको कर देते हैं A3, तो ये A3 में देखो कितना बड़ा कोड बन गया। अब ये कोड अगर मुझे मैन्युअली लिखना पड़ जाता, ठीक है, और एक भी गलती हो जाए, यहाँ पे 110 की जगह मैं 3 बार 1 डाल दूं, तो सब काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इतनी बड़े कोड को लिखने में मैन्युअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मास्टर कैम का यूज़ होता है, ताकि हम ये वाला कोड हम खुद ना लिखें, ये ऑटोमेटिकली लिखा जाए, मशीन को ये कोड समझ में आता है, तो हमने उसको ये कोड मशीन में पेन ड्राइव में डालना है और मशीन को चलाना, ठीक है। तो बड़ा आसान है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी कि मास्टर कैम इंस्टॉल कैसे करना है। मास्टर कैम इंस्टॉल कर लो, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करके देखो, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना है, और कौन कौन से टॉपिक आज हमने कवर किए इसकी एक कागज़ पे लिख लो, चाहे कमेंट बॉक्स में लिख लो, चाहे व्हाट्सएप पे लिख के मेरे को भेजो, ठीक है। तो मुझे बताना है कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक पे काम किया, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, हमारे को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन है वो भी दबा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग अवेलेबल है, अगर किसी को ऑनलाइन कोर्स करना है तो वो भी हम करा सकते हैं, ठीक है।